गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट आगरा में। पिछली क्लासेस में हमने कैलेंडर का आपको सेकंड टाइप कराया था और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कैलेंडर का लास्ट टाइप, यानी कि आपका एक न्यू टाइप, जिसमें हमने कहा था पिछली बार आपसे कि हम जो क्वेश्चन कराएंगे वो क्वेश्चन आपके ईयर वाइज होंगे। अब तक हमने कराए थे मंथ वाइज, लेकिन आज जो आपके क्वेश्चन है वो सभी आपके ईयर वाइज क्वेश्चन है। देखिए, जैसे हमें कोई क्वेश्चन आ जाता है हमारे एग्जाम के अंदर 5 मार्च 1996 को रविवार है तो 28 जून 2016 को कौन सा दिन? 5 मार्च 1996 को रविवार है तो 28 जून 2016 को कौन सा दिन होगा? इसके लिए जो हमने लास्ट कैलकुलेशन कर रहे थे, ये जो कैलकुलेशन थी हमारी, हम निकाल रहे थे डेट और मंथ के लिए, इसमें नई चीज और हमने ऐड कर दी है ये ईयर, तो इसके लिए कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। बाकी हमारी जो महीने के लिए कैलकुलेशन थी वो ऐसी वैसी ही रहनी है जैसे हम लास्ट क्वेश्चंस में करते आ गए थे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मार्च से लेकर जून तक के लिए महीने लिख लेने हैं हमें, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये हमारे 4 महीने हैं, अप्रैल और मई, इन दोनों भी हम डायरेक्टली डेट लिख सकते हैं। हमारा अप्रैल कितने का होता है? 30 का, और मई होता है हमारा 31 का। मार्च हमारा होता है 31 का, 31 में से हम 5 माइनस करने कितना बचेगा? 26, और यहां पर हमें जितनी डेट दे रही है वही डेट हमें यहां मेंशन कर देनी है, 28, यहां को प्लस करते हैं हम, 8 और 6 14 और 1 15, 3 और 2 5 और 5 10 और 11, ये हमारा हो गया 115। उसके बाद में अब हमारी कैलकुलेशन की बात आती है, जो हमारा ईयर दे रखा है वो 2016 और 1996, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हमारा सीधा सीधा तरीका होता है वर्षों का अंतर प्लस लीबर्स। लीबर्स जैसा कि आपको पहले अवगत करा चुके हैं हम, लीपर्स का मतलब होता है जिसमें हमारा फरवरी 29 का होता है, जिसमें फरवरी 29 की होती है, और प्रत्येक लीपर जो होता है वो 4 वर्ष बाद आता है, प्रत्येक लीपर हमारा 4 वर्ष आता है। लीपर्स में हमारे टोटल जो दिन होते हैं वो होते हैं 366 दिन। तो सबसे पहले हम निकालते हैं वर्षों का अंतर, 2016 माइनस 1996, हम इसमें माइनस करते हैं कितना बचेगा? 02, तो हमारा ये जो अंतर आ रहा है वो आ रहा है 20 साल का, 20 आ गया प्लस। अब हमें लीबर्स और काउंट करने के, इसमें लीबर्स कितनी होगी, तो लीबर्स निकालने के लिए हमने क्या किया, 2016 में दे रखा है, 2016 में हम 4 का भाग देते हैं क्योंकि 4 साल बाद लीबर्स आती है, तो हम लीबर्स निकालने के लिए 4 का भाग देकर देख लेते हैं, यदि हमारा भाग पूरा पूरा चला जाता है संख्या में तो हमारा लीबर्स होगा, अदरवाइज हमारा ये सामान्य वर्ष माना। 4 5 20 और 4 16, ये हमारा लीवर्स है, 2016 हमारा लीवर्स है। अब इसको हमें देखना है हमारे क्वेश्चन के अनुसार लीवर्स है या नहीं है। दूसरा हमारा 1996, इसमें 4 का भाग देते हैं, 4 4 16 4 9 36 और 4 9 36, ये भी हमारा लीवर्स है। तो अब हम इसको हमारे क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं, जैसा हमें यहां दिया गया है 5 मार्च 1996 को रविवार है, तो आप यहां देख सकते हो कि हमारी जो काउंटिंग स्टार्ट हो रही है यहां पर, जो कैलकुलेशन स्टार्ट हो रही है वो मार्च से स्टार्ट हो रही है, फरवरी का महीना जिसमें हमारा फरवरी 29 का होता है वो महीना निकल चुका है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा 1996 इस क्वेश्चन के लिए सामान्य वर्ष माना जाएगा, लीवर्स नहीं माना जाएगा, 1996 हमारा हम सामान्य वर्ष में काउंट करेंगे। तो 1996 के बाद में जो हमारा अगला लीवर्स होगा वो होगा 2000, फिर हम इसमें 4 ऐड कर देंगे 2004, फिर इसमें 4 ऐड कर देंगे 2008, फिर हमने 4 ऐड कर दिया 2012, और फिर हमने 4 ऐड कर दिया 2016, तो इसका मतलब हमारे कुल लीवर्स हो गए 5। तो 20 हमारे हो गए वर्षों का अंतर और प्लस 5 हो गए हमारे ये लीवर्स, दोनों को हम प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा टोटल 25। हमने यहाँ ये महीनों की कैलकुलेशन की थी जहां हमारा जो टोटल लेकर के आया था 115, और हमारे यहाँ वर्षों के लिए हमारी जो कैलकुलेशन आई है वो 25, हम दोनों को प्लस कर देते हैं 115
प्लस 25 कितना हो जाएगा, ये हो गया 140, 140 हो गया। डिवाइड कितने का करना है इसमें, 7 का, 7 का इसमें डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो शेष कितना बचेगा, 0। इसमें हमारा शेष बचा 0, तो इसमें आपको क्या करना है, 0 प्लस कर देना, और 0 प्लस करने के बाद आपके ये दिन दिया गया तो कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि 0 दे रहा है, अगर 1 दे रहा होता तो हम एक दिन आगे कर देते और 2 दे रहे तो 2 दिन आगे कर देते, लेकिन 0 के लिए कोई भी इसमें चेंजेस नहीं आएगा, तो हमारा दिन समान रहेगा। जो हमारा 5 मार्च 1996 का दिन था वही हमारा 28 जून 2016 का दिन रहेगा, जो हमारा 5 मार्च 1996 को था वही हमारा 28 जून 2016 का भी रहेगा। तो इस तरीके से आप हमारे ये क्वेश्चन निकाल सकते हो, जो आपका ईयर वाइज डिफरेंस दे रखा होता है और मंथ का डिफरेंस मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है, आप प्रैक्टिस के द्वारा बहुत कम समय में इसको इस तरीके से निकाल सकते हो। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन का डिस्कशन किया था, और कभी कभी कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इस तरीके से पूछे जाते हैं जिसमें आप कैलकुलेशन करते हो टाइम बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, जिसमें आप बिना टाइम खराब किए क्वेश्चंस को निकाल सकते हो। जैसे मैंने कहा मेरा कोई भी सामान्य वर्ष है जिसमें 365 दिन होते, जैसे मैंने कहा 1 जनवरी 2019 को रविवार है, तो 31 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन होगा, 1 जनवरी 2019, 31 दिसंबर 2019। जैसा आपको देख सकते हैं इसमें कि 2019 सेम ईयर है, 1 जनवरी हमारा किसी भी वर्ष का पहला दिन होता है और 31 दिसंबर किसी भी वर्ष का अंतिम दिन होता है, तो हमें उसने 2019 का पहला दिन दिया है और 2019 का अंतिम दिन दिया है, और आपसे पूछा है कि पहला दिन यदि रविवार है तो अंतिम दिन क्या होगा, तो आपको इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो हमें ईयर दे रखा है 2019, ये हमारा सामान्य वर्ष है, ये हमारा ही लीप वर्ष है, तो अगर हम इसमें 4 का भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा सामान्य वर्ष है। और किसी भी सामान्य वर्ष में आपको ध्यान रखना है कि प्रथम दिन और अंतिम दिन सेम होता है, तो हम कह सकते हैं यदि 1 जनवरी 2019 का रविवार है तो 31 दिसंबर 2019 का भी रविवार ही होगा, अंतिम दिन रविवार ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे 1 जनवरी 2020 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन होगा, क्वेश्चन सेम ही है, बस एक चीज का अंतर है, ये ईयर जो दे रही है आपको, यहां हमारा सामान्य वर्ष था और यहां हमारा ये लीप वर्ष है, तो आप जानते हैं कि सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में एक दिन का अंतर होता है, जहां आपके सामान्य वर्ष में 365 दिन थे वहीं आपके लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, एक दिन बढ़ जाता है, तो वही हम यहां करेंगे, एक दिन इसमें बढ़ा देंगे, सोमवार के बाद अगला दिन क्या हो जाएगा, मंगलवार। तो इस तरह से आपका ये जो कैलेंडर था, कैलेंडर के आपके जितने भी इसमें टॉपिक्स थे, जितने भी टाइप्स थे, मैंने आपको करा दिए हैं। अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है या कोई क्वेश्चन आपको पूछना है, कोई क्वेरीज हो आपकी, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेरी पूछ सकते हैं, अपने कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट करिए, और आपके जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी क्वेरीज होंगी, हम जल्द से जल्द उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी उस समस्या को दूर कर सकें अपने चैनल के माध्यम से, वो हमारे चैनल को कंटिन्यू देखने के लिए आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को फॉरवर्ड करिए, ताकि उन लोगों को भी ये चीज़ें मिल सकें, ताकि वो दूसरों को शेयर कर सकें, और जो तरीके हैं हमारे सिखाने के, उन तरीकों के माध्यम से आप भविष्य में जो भी आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, वो आप उसको क्रैक कर पाओ। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो समाप्त करते हैं।